जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हालात बिगड़ने की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और युवाओं का नुकसान हो रहा है। Whether surgical strike or that, I have nothing to say about that. हम अपील करते हैं दोनों बड़े मुल्कों से कि साहब, वॉर किसी चीज का सलूशन नहीं है। अगर सलूशन है तो वो डायलॉग है। We are not here to speak about, हमने कभी नहीं कहा उनकी कुर्बानी हम भूल रहे हैं, हमने उसके बारे में बात नहीं की। हम वही चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ अमन आए, कि हम लोग आसानी से चल सके। कांग्रेस ने कहा उसे शांति के लिए बातचीत की उम्मीद है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। कश्मीर में पिछले 98 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। कश्मीर में 10 जुलाई से स्कूल कॉलेज बंद हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को अभी तक 3,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। कश्मीर में पिछले 98 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया।